नमस्कार, दिनभर की बड़ी खबरों के साथ मैं हूं स्वाति ढल। आइए नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। असली और नकली जेडीयू की लड़ाई में शरद यादव को झटका, इसी ने कहा नीतीश गुट का तीर पर रहेगा कब्जा। अयोध्या विवाद पर श्री श्री रविशंकर को नहीं मिला मौलाना का साथ, फिरंगी महली ने भी रविशंकर के बातचीत के फॉर्मूले को किया दरकिनार। 2019 लोकसभा चुनाव के लिए महागठबंधन की अटकलें हुई तेज, राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव के साथ किया लंच, तेजस्वी बोले राहुल का रहूंगा आभारी। फिल्म पद्मावती का रिलीज होना मुश्किल, सूत्रों के हवाले से खबर, 1 दिसंबर से पहले पद्मावती को सेंसर बोर्ड का सर्टिफिकेट मिलना मुश्किल। बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, निफ्टी 10,280 के करीब बंद, सेंसेक्स में देखी गई 236 अंकों की तेजी। और कोलकाता में बारिश ने बिगाड़ा टीम इंडिया और श्रीलंका का टेस्ट मैच, बारिश के चलते दूसरे दिन हो पाए सिर्फ 21 ओवर, भारत का स्कोर 74/5 आउट। तो ये अब तक की सुर्खियां, रुक करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर पर। गुजरात का रण जीतने के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों का खुलासा कर दिया है। कई दौर की बैठकों के बाद आज बीजेपी ने अपने 70 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की। बुधवार को 3 घंटे तक चली बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद उम्मीदवारों के नामों को मंजूरी दी गई थी, लेकिन इसे जारी नहीं किया गया था। इसके बाद आज इस लिस्ट को जारी कर दिया गया। इस लिस्ट की खास बात यह है कि भाजपा ने अपने सिटिंग विधायकों को नहीं छेड़ा है, वहीं राज्यसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस से बीजेपी में आए नेताओं को भी टिकट मिला है। हालांकि पहले कहा जा रहा था कि बीजेपी इस बार नो रिपीट पॉलिसी पर काम कर सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बीजेपी ने अपने पुराने विधायकों पर ही दांव खेला है। पहली लिस्ट में विजय रूपाणी और नितिन पटेल के अलावा जीतू भाई वाघाणी का नाम है, जो भावनगर पश्चिम से चुनाव लड़ेंगे। वासड़ भाई आहिर को अंजार से टिकट मिला है, शंकर भाई चौधरी को वाव, पर्वत पटेल को थराद और केशाजी चौहान को दियोदर से प्रत्याशी बनाया गया है। आपको बता दें कि गुजरात विधानसभा की 182 सीटों के लिए 2 चरणों में मतदान होगा। 9 दिसंबर को पहले और 14 दिसंबर को दूसरे चरण के लिए वोट डाले जाएंगे, जबकि 18 दिसंबर को इसके नतीजे घोषित होंगे। डीबी लाइव की रिपोर्ट। गुजरात चुनाव में पुराने और नए नेताओं को टिकट बांटकर बीजेपी बगावती सुरों को थामने की कोशिश कर रही है, लेकिन विरोधियों के सुर को बीजेपी कैसे रोकेगी, क्योंकि हार्दिक पटेल ने सीडी कांड को लेकर अब सीधा पीएम मोदी पर हमला बोला है। हार्दिक ने लिखा कि जो निभा ना सका पत्नी से वो दूसरों की सीडी ही बनवाएगा। दिलीप कुमार की फिल्म गोपी के गाने रामचंद्र कह गए सिया से के बोल में कुछ बदलाव करते हुए हार्दिक ने ट्वीट किया कि रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, गोडसे का मंदिर बनेगा, तंबू में राम विराजा जाएगा, मार न सका एक अंग्रेज को वो गांधी मारकर हिंदू कहलाएगा। इसी के बाद ही हार्दिक ने सीडी कांड को लेकर सीधा पीएम मोदी को ही अपने निशाने पर लिया। हार्दिक ने लिखा कि जो निभा ना सका पत्नी से वो दूसरों की सीडी बनवाएगा। हालांकि इस ट्वीट में हार्दिक ने सीधे तौर पर पीएम मोदी का नाम नहीं लिखा था, लेकिन उनका इशारा पीएम मोदी पर ही था। दरअसल हार्दिक ने ये ट्वीट उस सीडी कांड पर किया जिसमें उन्हें एक लड़की के साथ दिखाया गया है। इस सीडी को लेकर हार्दिक पटेल ने दावा किया कि बीजेपी के द्वारा सीडी को सर्कुलेट किया जा रहा है, जो कि उनकी निजता का हनन है। हार्दिक पटेल ने कहा था कि यह कृत्य बीजेपी की हताशा को साफ जाहिर कर रहा है। हार्दिक पटेल ने कहा था कि वो ना तो मुझे तोड़ सकते हैं और ना ही धमका सकते हैं, इसीलिए उन्होंने मेरा चरित्र खराब करने के लिए यह वीडियो बनवाया है। डीबी लाइव की रिपोर्ट। वैसे विरोधियों के साथ साथ अब अपने भी मोदी सरकार को नहीं बख्श रहे हैं। अटल सरकार में मंत्री रहे बीजेपी नेता लगातार पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा के बाद अब अरुण शौरी ने एक बार फिर मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला है। एक कार्यक्रम में बोलते हुए बीजेपी के वरिष्ठ नेता अरुण शौरी ने कहा कि एकजुट हुए बिना विपक्ष सरकार को मात नहीं दे सकता। शौरी ने विपक्षी दलों को सलाह दी है कि सभी मिलकर बीजेपी के खिलाफ संयुक्त उम्मीदवार उतारे, जिससे मुकाबला दो लोगों के बीच में ही रहे। उन्होंने कहा, जैसा कि इस्लामी चरम पंथ में होता है, अगर कोई प्रवचन दे रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब वे हथियार उठाकर जमीन कब्जा लेते हैं तो यह असल समस्या बन जाती है। आपको उन्हें सैन्य तरीके से हराना होगा। लोकतंत्र में भी इस तरह के बलों की हार चुनावी सुधार के लिए जरूरी है। आपको बता दें कि इससे पहले भी अरुण शौरी मोदी सरकार की नीतियों को लेकर उनकी आलोचना कर चुके हैं। शौरी ने नोटबंदी को सबसे बड़ा घोटाला बताया था।
वैसे शौरी के साथ साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा भी जीएसटी, नोटबंदी, अर्थव्यवस्था पर मोदी सरकार को घेर चुके हैं। हाल ही में उन्होंने बयान दिया था कि जीएसटी की वजह से लोगों को जितनी परेशानियां झेलनी पड़ी उसके लिए वित्त मंत्री अरुण जेटली को पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। डीबी लाइव की रिपोर्ट। जहां बीजेपी में आपसी जंग छिड़ी हुई है तो वहीं बिहार में जारी असली और नकली जेडीयू की लड़ाई में बिहार के सीएम नीतीश कुमार को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जबकि जेडीयू के बागी नेता शरद यादव को चुनाव आयोग ने तगड़ा झटका देते हुए उनके तमाम दावों को खारिज कर दिया है। दरअसल नीतीश कुमार के महागठबंधन तोड़ने से नाराज शरद यादव ने नीतीश गुट के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया था। नीतीश और शरद की लड़ाई इतनी बढ़ गई थी कि दोनों ही गुट पार्टी के नाम और सिंबल की लड़ाई को लेकर चुनाव आयोग जहां पहुंचे थे। शरद गुट ने आयोग से अनुरोध किया था कि उसे असली जनता दल यूनाइटेड के रूप में मान्यता दी जाए और तीर चुनाव चिन्ह के इस्तेमाल की अनुमति दी जाए। आयोग के समक्ष अपने आवेदन में शरद गुट ने कहा था कि नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले गुट ने बिहार में महागठबंधन से अलग होने का फैसला कर पार्टी के सिद्धांतों और पहले लिए गए फैसलों का उल्लंघन किया है। आयोग ने दोनों गुटों की दलीलें सुनने और उनकी ओर से सौंपे गए दस्तावेजों के आधार पर आज नीतीश कुमार को असली जदयू करार दिया और उन्हें ही तीर चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल करने की अनुमति दी है। वहीं इस फैसले के बाद अब नीतीश कुमार ने राहत की सांस ली है। माना जा रहा है कि नीतीश समर्थक खेमा अब शरद यादव से राज्यसभा के इस्तीफे की मांग भी करेगा। हालांकि राज्यसभा में भी शरद यादव की सदस्यता को चुनौती दी गई है। फिलहाल शरद यादव को राज्यसभा से हटाने का मामला सदन के सभापति वेंकैया नायडू के सामने विचाराधीन है। डीवी लाइव की रिपोर्ट। अब बढ़ेंगे अगली खबर पर। मूडीज ने आज एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें मोदी सरकार के राज में भारत की विकास दर को बढ़ता हुआ दिखाया गया है, लेकिन जमीनी हकीकत तो कुछ और ही कहानी बयां करती है। जहां उत्तर प्रदेश में भूख से एक महिला की मौत हो गई, लेकिन अधिकारी कहते हैं कि कमी हम में नहीं बल्कि लोगों में है। इसी पर अखिलेश ने सरकार पर तंज कसा है। बरेली में भूख से मौत होने पर निराशा व्यक्त करते हुए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी को आड़े हाथ लिया। पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कहा कि गरीब महिला की भूख से मौत लोकतंत्र पर धब्बा है, इसके लिए बीजेपी सरकार को जितना भी दोष दिया जाए वो कम है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने आज देश को उस राह पर ला खड़ा किया जहां लोग बीमारी से ज्यादा गरीबी और भूख से मर रहे हैं। इस घटना पर प्रशासन द्वारा पल्ला झाड़े जाने पर अखिलेश ने कहा कि अगर महिला बीमार थी और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए राशन दुकान पर अनाज लेने नहीं जा सकी तो ऐसी स्थिति से निपटने के लिए एक प्रणाली होनी चाहिए। अखिलेश यादव ने कहा कि सिस्टम के नाम पर बनाए गए नियम किसी की जिंदगी से बड़े नहीं है, यह काफी दुखद है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के बरेली में एक महिला की भूख से मौत हो गई थी। महिला की तबीयत काफी खराब थी और वो राशन लेने नहीं जा पाई थी, और जब उसका पति सरकारी राशन लेने गया तो फिंगरप्रिंट ना मिलने की वजह से उसे राशन देने से मना कर दिया गया, जिसकी वजह से महिला भूखी रही और उसकी मौत हो गई। वहीं बरेली जिला प्रशासन का कहना है कि शकीना की मौत भूख से नहीं बल्कि बीमारी से हुई है। वैसे ही कोई पहला मामला नहीं है जब किसी ने भूख की वजह से दम तोड़ा हो और प्रशासन ने पल्ला ना झाड़ लिया हो। इससे पहले बीजेपी शासित राज्य झारखंड में भूख से एक बच्ची समेत दो लोगों की मौत हो गई थी, लेकिन इस पर पर्दा डालने की पूरी कोशिश की गई थी। डीबी लाइव की रिपोर्ट। तो बुलेटिन के आखिर में बात पद्मावती पर मचे बवाल की। संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावती की रिलीज डेट जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है विवाद बढ़ता जा रहा है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में तो आज प्रदर्शनकारियों ने गोलियां ही बरसा दी। फिल्म पद्मावती को लेकर चित्तौड़गढ़ किले पर चल रहे प्रदर्शन के दौरान उस समय सनसनी मच गई जब एक युवक ने भीड़ के सामने फायरिंग कर दी। हालांकि फायरिंग से किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है। वहीं अभी तक यह भी साफ नहीं हो सका है कि गोली चलाने वाला युवक आखिर कौन था और वह कौन से संगठन से जुड़ा था। वहीं पुलिस के मुताबिक मौके पर फायरिंग को लेकर अब तक कोई सबूत हाथ नहीं लगे हैं। आपको बता दें कि 1 दिसंबर को रिलीज होने वाली फिल्म पद्मावती को लेकर राजपूत समाज की ओर से किए गए आह्वान पर आज पहली बार चित्तौड़गढ़ किले को बंद रखा गया है। वहीं फिल्म के विरोध में किले पर प्रदर्शन किया जा रहा है जिस दौरान युवक ने फायरिंग की थी। डीबी लाइव की रिपोर्ट। तो खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। ताजा अपडेट के लिए लॉगिन करें dblive.tv। नमस्कार।